नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अपनी बायोलॉजी की वीडियो में मिल रहे हैं और हम अध्याय संख्या 9 पे बात करेंगे आज आपसे। अध्याय संख्या 9 का नाम है एंजाइम। एंजाइम जो होते हैं एक प्रकार के लॉक सिस्टम होता है, जैसे कि आपने कभी देखा होगा या फिर आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था कि जिस प्रकार एक भोजन के पोषक अवयव को पचाने के लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम चाहिए होता है, उसी शब्द को मैं आज आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, देखो एंजाइम्स क्या होता है, जैसे कि एक लॉक को खोलने के लिए एक स्पेशल चाबी चाहिए होती है, वैसे ही एंजाइम भी होते हैं जो एक विशेष पोषक तत्व को पचाने के लिए चाहिए होते हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि जैसे एक जो ताला है, एक जो लॉक है, वो उसी चाबी से खुलता है, दूसरे किसी से नहीं खुलता है, वैसे ही भोजन का एक पोषक तत्व जो होता है वो उसी एंजाइम्स के द्वारा उसका विखंडन होता है, जटिल अणुओं का सरल अणुओं में उसका विखंडन होता है। और एंजाइम्स जो होते हैं भोजन के पाचन में भी हेल्प करते हैं। एंजाइम्स होते क्या हैं, इनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या होता है, ये प्रोटीन प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ हैं। कैसे हैं, ये प्रोटीन प्रकृति के हैं, पर आगे अपन जब पढ़ेंगे तो अपन को पता चलेगा कि कुछ नॉन प्रोटीन भी होते हैं, जो मतलब जिनमें प्रोटीन का फैक्टर जो होता है वो सक्रिय नहीं होता है, उनको भी एंजाइम की श्रेणी में रखा गया है। ये प्रोटीन प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीवों के शरीर में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जैव उत्प्रेरक आप समझ गए होंगे, 10th क्लास में आपने पढ़ा था उत्प्रेरक के बारे में, जो अभिक्रिया के वेग को घटा देता है या बढ़ा देता है उसे अपन क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। तो हमारे शरीर में एक क्या है, ये जैव उत्प्रेरक है जो हमारे शरीर की सभी गतिविधियों को प्रभावित करता है। ठीक है, बर्जीलियस ने सबसे पहले 1835 में इसके बारे में खोज की थी। बर्जीलियस ने जैव उत्प्रेरक के रूप में इसकी पहचान की थी सबसे पहले, बर्जीलियस ने, ठीक है, जैव उत्प्रेरक के रूप में इसकी सबसे पहले पहचान की थी। इतिहास क्या कहता है, इतिहास कहता है कि एन प्लस जाइम, यानी एन का मतलब ईल, इन ईस्ट होता है, यानी ईस्ट कोशिकाओं में इसको सबसे पहले खोजा गया था। कहाँ खोजा गया था, ईस्ट कोशिकाओं में खोजा गया था। और बात यह है कि सर्वप्रथम विली कुहने नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था। विली कुहने ने सर्वप्रथम इसके बारे में बताया था और इस शब्द के बारे में बताया था, इस शब्द की चर्चा की थी उसने सबसे पहले। सर्वप्रथम बुकनर ने इसको जाइमेज ईस्ट कोशिकाओं में खोजा गया था, बुकनर नाम के वैज्ञानिक ने। और जेबी सुमनर ने इसको यूरिएज एंजाइम का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप प्राप्त किया था। और इसके बाद बात करते हैं, सुमनर व नॉर्थ प्रॉप व स्टेनले को 1947 में नोबल पुरस्कार भी मिला था। सुमनर व नॉर्थ प्रॉप को 1947 में नोबल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, काम की बात ये होती है, जो पेपर में हमारे आने वाली बातें होती हैं उसके बारे में अपन बातें करेंगे कि सभी एंजाइम्स प्रोटीन है, पर सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। क्या लिखा हुआ है, सभी एंजाइम तो प्रोटीन है। ठीक है, जितने भी एंजाइम वो प्रोटीन है, चाहे वो उसका सक्रिय भाग है या नहीं है। मैंने भी आपको जो थोड़ी देर पहले बोला था, कुछ प्रोटीन, मैंने बोला ना ये प्रोटीन प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ हैं, पर कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनका प्रोटीन प्रकृति का जो भाग होता है वो सक्रिय नहीं होता है, इसलिए उसे नॉन प्रोटीन श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन है, पर सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। सभी प्रोटीन एंजाइम कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। सभी एंजाइम जो होते हैं ना वो प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, सरल प्रोटीन और संयुग्मित प्रोटीन। सरल प्रोटीन वे होते हैं जो फुल्ली प्रोटीन से बने होते हैं, जो किससे बने होते हैं, सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सरल एंजाइम कहते हैं। और जिनमें प्रोटीन के अलावा कुछ ऐसा भाग भी होता है जो नॉन प्रोटीन होता है, यानी प्रोटीन तो उनमें है ही, लेकिन कुछ भाग ऐसा है जो नॉन प्रोटीन होता है, पूरे के पूरे वो 100% प्रोटीन से मिलकर नहीं बने होते हैं, इसीलिए उसे संयुग्मित प्रोटीन कहता है, यानी युग्मित है, दो तीन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। सरल प्रोटीन जो एक ही चीज़ से मिलकर बना है, यानी ओनली प्रोटीन से मिलकर बना है, जैसे पेप्सिन, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। पेप्सिन, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये तीन प्रकार के एंजाइम आपने 10th क्लास में भी पढ़े थे। संयुग्मित एंजाइम में डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज, जिनमें प्रोटीन, जिनमें
प्रोटीन व एप्रोटीन, जिनमें प्रोटीन व एप्रोटीन दोनों वाले भाग स्थित होते हैं, जिनमें प्रोटीन व एप्रोटीन दोनों वाले भाग स्थित होते हैं, यानी सरल भी हैं और संयुग्मित भी हैं, उसे बोलते हैं होलो एंजाइम। उसे क्या बोलेंगे? होलो एंजाइम बोलते हैं, जिसमें सरल एंजाइम भी होते हैं और संयुग्मित एंजाइम भी होते हैं, उन्हें अपन क्या बोलेंगे? होलो एंजाइम, जिनमें दोनों प्रकार के संरचनाएं पाई जाती हैं। अब बात करते हैं एंजाइम की संरचना की। एंजाइम की संरचना, प्रोटीन भाग को एक्टिव साइट कहते हैं, जिसमें प्रोटीन भाग जहां पर है, ये एंजाइम की संरचना आपके सामने नजर आ रही है। इसमें जो प्रोटीन वाला भाग है, ये चित्र में ये दर्शाया हुआ है कि ज्यादा वाला जो भाग होता है ये प्रोटीन है और कम वाला जो भाग होता है एप्रोटीन होता है। और प्रोटीन वाले भाग को क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं। यहाँ पर क्रियाधार जुड़ता है, जो एक्टिव होगा वहीं पर जुड़ेगा, और जो एक्टिव होगा ही नहीं वो क्रिया करेगा ही नहीं। भाई क्रियाधार का मतलब क्या है? जो क्रिया करने वाला होता है। और प्रोटीन से, प्रोटीन के भाग को एक्टिव साइड कहते हैं, जिस भाग को एक्टिव साइड कहते हैं उसे, वो फुल्ली प्रोटीन का बना होता है और वहीं पर ही क्रियाधार जुड़ता है। और जो एप्रोटीन वाला भाग होता है उसे कोफैक्टर कहते हैं, यानी सह कारक कहते हैं उसे। और इस प्रकार के भाग को हम क्या बोलते हैं? ये प्रकार का जो भाग होता है कार्बनिक और अकार्बनिक दो भागों से मिलकर बना होता है। अब देखो आप इस चित्र में प्रोटीन वाला भाग ये नजर आ रहा है, एप्रोटीन वाला भाग ये नजर आ रहा है, और जहां पर ये दोनों वाले पार्ट होते हैं उसे अपन होलो एंजाइम कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं? होलो एंजाइम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो जो कोफैक्टर होते हैं ये अपनी प्रकृति के आधार पर भी दो भागों में बांटे हुए हैं, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। अभी मैंने आपको बताया था कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं ये तो एक तो होते हैं प्रोथेस्टिक और दूसरे होते हैं कोएंजाइम। एक तो होता है प्रोथेस्टिक, इसको भी आगे दो पार्ट में बांटा गया है। एक तो क्या होता है? प्रोथेस्टिक, प्रोथेस्टिक होता है एक तो, और दूसरा क्या होता है? कोएंजाइम। कोएंजाइम के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, ठीक है? एक तो होता है प्रोथेस्टिक और दूसरा होता है कोएंजाइम, ठीक है? अच्छा, जो प्रोथेस्टिक होता है वो प्रोटीन से दृढ़ता से जुड़े रहते हैं, पक्के बंधे होते हैं। किससे? प्रोटीन से, जो प्रोथेस्टिक वाला भाग होता है। और जो कोएंजाइम वाला पार्ट होता है वो एप्रोटीन से ढीले बंधे होते हैं। वो ढीले बंधे होते हैं किससे? प्रोटीन से, यानी एप्रोटीनिक भाग कह सकते हैं उसे हम। और जो प्रोथेस्टिक समूह है उसके जो उदाहरण होते हैं, साइटोक्रोम उसका उदाहरण है। साइटोक्रोम आपने पढ़ा होगा, पादपों में जब अपन बात करेंगे तो उसके बारे में और अधिक चर्चा करेंगे उस विषय में, साइटोक्रोम, ठीक है? और जो कोएंजाइम के जो उदाहरण आते हैं वो एनएडी है, एनएडीपी है, एफएडी है, कोएंजाइम ए है। जब मैं आपको क्रैब चक्र के बारे में बताऊंगा और ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताऊंगा तब मैं आपको इनके बारे में और अधिक बताने वाला हूं, ठीक है फ्रेंड्स? अच्छा, अकार्बनिक जो भाग है, अकार्बनिक भाग है वो वो जो धात्विक आयन होते हैं ना वो इससे जुड़े रहते हैं। धात्विक आयन क्या? जैसे Fe प्लस है, ठीक है? Fe प्लस धात्विक आयन है, धात्विक प्लस आयन है, अकार्बनिक पदार्थ है, इसमें प्रोटीन वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। कार्बनिक पदार्थ प्रोथेस्टिक में कोई एंजाइम दोनों से जुड़े होते हैं, ठीक है? अब मैं एंजाइमों के आपको विशिष्ट गुण बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, बिल्कुल ईजी चैप्टर है। और इसके बाद हम अगला जो चैप्टर लेंगे वो और अच्छा होगा और उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आप इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। धन्यवाद।